हाय वेलकम गाइस, टेक्नो खान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो भी हमारी एक्टिवा के ऊपर रहेगी। एक्टिवा के अंदर मैं लगाऊंगा म्यूजिकल मिरर्स, चौंक गए नाम सुन के। हाँ जी दोस्तों, शीशों के अंदर लगे हुए हैं कुछ स्पीकर्स और कुछ है उसके अंदर सिस्टम, MP3 प्लेयर्स है और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो चलो दोस्तों मैं दिखाता हूँ। बस दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मेरे को मिरर्स मिले हैं ये बहुत बुरी हालत में थे, मतलब शीशे वीशे दोनों के टूटे हुए थे। तो दो सेट का मतलब एक सेट मैंने उसका ओके कर दिया। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब मिरर्स की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोखान चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए। दोस्तों ये मिरर्स आप सोच रहे होंगे कि दोनों सही थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मिरर्स है, मैंने इनको ठीक करा है और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मिरर्स था कुछ, एक बॉडी यहाँ से टूटी हुई थी, किसी का मिरर्स टूटा हुआ था और ये भी कुछ इस तरीके से था, इसका मिरर्स टूटा हुआ था। अब मतलब हुआ ऐसा था, दोनों का एक एक सेट था वो ठीक था, मतलब कि इसमें का एक था शीशा उसका ठीक था और किसी का पीछे से ये टूटा हुआ। मैंने क्या करा, इसका सामान निकाल के मैंने एक ये मिरर्स हैं ये मैंने तैयार कर लिए। अब चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर फंक्शन क्या क्या है। तो ऊपर देखने को मिल जाता है आपको एक की है, इसके अंदर ऑन ऑफ का है और ऑडियो पॉज और प्ले का है और यहाँ पे मेन्यूज का, और ये आपको मिल जाते हैं कुछ बटन्स यहाँ पर भी MP3 प्लेयर्स के लिए। और चलिए दोस्तों दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरा भी कुछ इस तरीके से, ये आपको स्पीकर्स मिल जाता है यहाँ पर भी और इसके साइड में कुछ नहीं है और ये लगेगा आपका सीधा इस वाले थिम्बल्स के अंदर। तो चलो गाइस करते हैं अब इसको गाड़ी के अंदर फिट। दोस्तों आप जानते हो शीशे लगाने के लिए अब हमने इसके स्क्रूज जो होते हैं जितने वो खोलने हैं, आगे का नेक से लेके पीछे का 4 स्क्रूज जो होते हैं हमने वो खोलने हैं। तो उसको खोलने के बाद में फिर हम इसके अंदर लगाएंगे इसके नट वगैरह जो होते हैं, जो मैंने वेल्डिंग कराए थे मैं उसको आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से उसको वेल्डिंग करा रखा है। गाइस ये हैं वो नट जो मैंने इसको वेल्डिंग करवा के इसके अंदर बड़े बड़े नट हैं वो लगाए, क्योंकि अपना जो स्टॉक वाला थे उसके अंदर एक में उल्टी चूड़ी होती है और एक में सीधी चूड़ी। अब इस दोनों में क्या है, दोनों में सीधी चूड़ियाँ हैं जो अपना मिरर्स है उसके अंदर भी दोनों में सीधे थ्रेड्स हैं, ना कि एक में उल्टे ना एक सीधे। तो इस वजह से मेरे को इसमें दोनों जो नट्स हैं वो न्यू वेल्ड करवा के लगाने पड़ गए। आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, बाकी देखने में तो अच्छे नहीं है ये, बट इसके ऊपर जो कवर आता है उसका मिरर्स का वो लग जाएगा तो उसके बाद में ये दिखना बंद हो जाएंगे। तो इसको लगाते हैं, हम इसके अंदर लगाते हैं दोनों को। टोटली वायर्स लग चुकी है, अब मैं इसको इसके अंदर से निकाल दूंगा, फिर अब इसको मैं वापस इसके अंदर लगा देता हूँ दोस्तों जहाँ से मैंने इसको खोला था, और उसके ऊपर का बाकी हम काम करेंगे जब हम मिरर्स लगाएंगे इसके अंदर। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो दोनों के अंदर सॉकेट दिया हुआ है, ये अपना लेफ्ट वाले का है जो लेफ्ट में लग जाएगा और ये राइट वाले का है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले फ़िलहाल तो ये जो मिरर्स है मैं उसको वहाँ पर बांध दूंगा ताकि वायर से लेते टाइम कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें पहले वायर लगानी पड़ेगी तभी इसका जो मतलब टाइट हो पाएगा ये अपना उसके अंदर नट के अंदर। तो इसको हम कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला मिरर्स है ये राइट वाला, तो राइट वाले को हम लगा देते हैं। हमारे दोनों मिरर्स हैं वो लग चुके हैं अपने म्यूजिकल मिरर्स। अब हमने इसकी वायर इसके अंदर लगाने सॉकेट के अंदर, ये जो अपने सॉकेट हैं आप देख पा रहे हो एक अपना दूसरे स्पीकर्स का है और एक अपना मेन सप्लाई जो है इग्निशन की उसका है। तो उसके लगाते हैं हम इसके अंदर, तो स्पीकर वाला रेड एंड ब्लू है इसके अंदर लग गया, अब ये ब्लैक एंड वाइट रेड एंड ब्लैक है, अब इसके अंदर लगा देते हैं हम। अब जैसे कि आपने सुना इसके अंदर आवाज़ आ चुकी है, चल चुका बंद हो गया। तो गाइस अपना जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है। तो उसके लिए अपने को चाहिए एक पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव मैंने ले रखी है। अब इस पेन ड्राइव को मैं यूज़ करूँगा अपने इस मिरर्स के अंदर, तो इसके अंदर
ऑलरेडी सिस्टम हैगा, आप यहाँ पे पेन ड्राइव लगा सकते हो, माइक्रो एसडी लगा सकते हो, और यहाँ पे लगा सकते हो आप एक ऑक्स। तो चलो दोस्तों इसके अंदर लगा के जो साउंड क्वालिटी है उसको टेस्ट किया जाए। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पेन ड्राइव लगा दिए, मैंने इसका कनेक्शन इस तरीके से कराया, जब अपनी गाड़ी को आप इग्निशन ऑन करोगे तभी इसके अंदर जो पावर सप्लाई है उस आएगी, उससे पहले कोई सप्लाई नहीं आएगी। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरीके से आ रही है। तो उसके अंदर हमें फंक्शन मिल जाते हैं नेक्स्ट का, प्रीवियस का, पावर का और पाउस का और एक मेन्यू का। तो अब हम इसका करते हैं पावर इसकी ऑन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर लाइट आ गई है, अब इसके अंदर म्यूजिक भी स्टार्ट है, हो चुका है। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ में जल्द एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।